हर हर भोले नमः शिवाय। सावन का महीना है भक्तों। सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर के आप मंदिर में बिना पंडित के ही अभिषेक अपना कर सकते हैं। अभिषेक कैसे करें उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो देखने वाले जो भी शिव भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। आप सभी के ऊपर एक बार महादेव का नाम लेने से महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर पड़ेगी, इसलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आप जिस भी मंदिर में जाएं उस मंदिर में आप पोछा लगा लें। सबसे पहले अगल बगल की जो ज़मीन है उसे साफ़ कर लें। हम जिस मंदिर में गए थे उस मंदिर में बहुत अधिक चीटे थे, लेकिन पहले हमने हल्का हल्का सा झाड़ू किया, उसके बाद मतलब कपड़े से झाड़ना है आपको, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जितना भी सामान सुबह से पड़ा हुआ है सभी सामानों को आप एक एक करके ले लीजिए, हटा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से जल डालते हुए आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अपने मन में या मुख से तेजी तेजी से भी आप उच्चारण करते हुए पूरे शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जितने भी बेलपत्र हैं सभी बेलपत्र पे आप राम राम राम, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो भी आपके पास है वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। सामग्री की लिस्ट आपको स्टार्टिंग में ही दिख गई होगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर रखा है दही, दूध है, बेलपत्र है राम लिखा हुआ, गंगा जल है, जो भी ऋतु फल आपको मिले वो आप ले लीजिए, फूल लिया है, घी का दीपक लिया है, यहाँ पे हमने चंदन लिया है, लाल वाली रोरी ली है, कपूर लिया है, शहद है, देसी घी है, यहाँ पे वापस से ये देखिए समी पत्र है, हमारा बेलपत्र है, और यहाँ पे धूप है, धूप को बना के रख लिया है, कमल गट्टे की मोतियाँ जो आती हैं कमल गट्टे का ये हमने यहाँ पे पांच लिया है, पांच तरीके का यहाँ पे हमने पंचमेवा लिया है, इसे पंचमेवा कहते हैं। उसके बाद ये देखिए खड़े चावल हैं, काली तिल है, और गेहूं है, चने की दाल है, यहाँ पे मूंग है, रक्षा है, मूली जिसे कहते हैं, चीनी है, यहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पैसा आप ज़रूर से रख लीजिए, अक्खा मूंग है, एक लोटा जल, और जितना जल आपको चाहिए सभी जलों को आप अपने घर से ही लेके जाइए, और दीपक के नीचे फूल डाल के अक्षत डाल के आप पहले सर्वप्रथम काम करिए, दीपक को अपने प्रज्वलित करिए, उसके बाद आप शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करिए। सर्वप्रथम हमने जल चढ़ाया था, उसके बाद हम यहाँ पे दूध का अभिषेक कर रहे हैं। दूध मेरा जो थोड़ा सा बच गया था उसे हमने आने वाले जानवरों के लिए रख दिया था यहाँ पे। आप चाहें तो मंदिर में ब्राह्मण आते हैं आप उन्हें भी दूध दे सकते हैं, थोड़ा सा दूध आप दान अवश्य कर दीजिए। दूध से अभिषेक करने के बाद हम यहाँ पे शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जितना भी दही है उसे आप भगवान जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले मैंने हाथ से समर्पित किया, उसके बाद मेरी बेटी भी साथ में थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसके हाथ से भी मैंने टच कराया। फिर यहाँ पे हम अच्छे से चीनी डालेंगे, उसके बाद अच्छे से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ये स्वयंभू है, अपने से निकला हुआ शिवलिंग है ये, तो इनका अभिषेक आप बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। जहाँ पे भी स्थापना हुई है भक्तों वहाँ पे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, मैं यहाँ अपनी जानकारी दे रही हूँ। उसके बाद शहद है, देसी घी है, जो भी सामग्री हमारी अभिषेक के लिए आई है सभी सामग्रियों का अच्छे से लेप करेंगे,
ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आप लेप करेंगे। मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पहन रखी थी अंगूठियाँ, निकालना भूली नहीं थी मैं, मुझे याद था, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से आप अभिषेक करिए। अगर आपने हाथ में कोई भी अंगूठी वगैरह पहन रखी है तो हथेली से करिए, उंगलियों से करिए, बिल्कुल आपको रगड़ नहीं देना है जिससे कि शिवलिंग के ऊपर चोट का अनुभव हो, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से आप शिवलिंग के ऊपर इन सब चीज़ों को रगड़िए धीरे धीरे बिल्कुल। उसके बाद शुद्ध जल से आप सारी चीज़ें साफ कर लीजिए, चनामृत जरूर से आप ले लीजिएगा। और ये देखिए बहुत सारा जल, जितना भी आपको जल लगे वो आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पे धीरे धीरे करके हम अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल गंगा जल से मिलाया हुआ समर्पित करेंगे भोलेनाथ के ऊपर। और हमें करना है अब अपना चढ़ावा चढ़ाना है, साथ ही साथ हमें करना है उनका श्रृंगार। तो जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जलम समर्पयामि। ये यहाँ पे छोटी सी तौलिया हमने ले रखी थी, हैंकी है ये, रुमाल है जिसे कहते हैं। तो आप रुमाल को, आपके पास बड़ी तौलिया है तो आप बड़ी तौलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे शिवलिंग को आप पोंछ दीजिए। ये कपड़ा आप दान में भी दे सकते हैं और अपने घर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ये विधि है, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से आपका अभिषेक जो है वो संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने देसी घी से ओम का उच्चारण लिखा, अभिषेक करने के बाद ओम का उच्चारण हमने यहाँ पे लिखा और मैंने, मेरी बेटी ने, दोनों ने लिखा। साथ ही ये देखिए काले तिल फट से नहीं चढ़ा देना है, एक बार अपने हाथ में जैसे मैंने लिया हुआ था हाथ में लेकर के अपना नाम आपको बोलना है, गोत्र बोलना है, उसके बाद इस तरीके से मुट्ठी के सहायता से आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। इधर उधर छटक रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सारा ऐसे ही चढ़ाइए। उसके बाद देखिए हमने गेहूँ रखा, फिर हमने चना दाल रखा, जो भी चीज़ें हम लेके गए हैं। अब यहाँ पे देखिए काली मिर्च थी मेरे पास, लौंग था, इलायची थी, पान का पत्ता बीड़ा बना के भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ फल प्राप्त करने वाला होता है। मैंने वीडियो पहले ही बना दी है कि किन किन चीज़ों को चढ़ाने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। और ये है हमारा अखा मुँह, मैं यहाँ प्रयास कर रही हूँ कि कुछ तो थोड़ी चीज़ें ऊपर रह जाएँ। और ये देखिए हमारा समी पत्र, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे बॉम्बे में समी पत्र मिलता है, हालांकि हर घरों में होता है लेकिन पूछ करके आपको लेना होगा, खरीद के तो यहाँ मिलता ही नहीं है। नवीन वस्त्रम समर्पयामि बोल के मूली आप पहना दीजिए, नवीन वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम का उच्चारण करके जो आपने राम राम लिखा है सभी बेलपत्रों पे अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए। मन में आपके भाव होना चाहिए, श्रृंगार का भाव होना चाहिए, मुझे सच बोलो तो मुझे अच्छे से त्रिकुंड बनाने नहीं आता है, आज भी मैं बहुत प्रयास करती हूँ, हालांकि मैं साइड में बैठी थी तो अच्छे से मेरे, ये जो मेरे पास पीला वाला चंदन है उससे मेरे से अच्छे से नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया। आप भी चाहें तो ऐसे ही हल्का सा त्रिकुंड आप बना सकते हैं। त्रिकुंड बनाने के बाद चंदन जो है अपने हाथ माथे में, जो आपके हाथ में चंदन लगा है माथे में लगा लीजिए। यहाँ पे माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके मैंने बीच में भगवान के लगा दिया है, माता पार्वती को, अशोक सुंदरी को, कार्तिकेय जी को भी आपको साथ ही साथ पूजा करते रहना है। गणेश भगवान के स्थान पे भी आपको हर समय जो भी कुछ आप चढ़ाएं वो वहाँ पे भी आपको चढ़ाते रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपके पास सफ़ेद चंदन है तो आप उसे भी समर्पित कर सकते हैं भगवान के ऊपर। अब हम
कमलगट्टी की जो मोतियाँ लेके आए थे कमलगट्टी की, वो हम चढ़ा देंगे। सारी इधर उधर हमारी छटक रही थी, मैंने प्रयास किया कि एक तो टिक जाए, महादेव ने एक तो टिका ही दिया। और यहाँ पे बोलना है हमें जो भी चीज़ चढ़ाएंगे समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, ऐसा बोल करके आप फूल को समर्पित करें भगवान के ऊपर। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का जाप आप 5 बार कर सकते हैं। 5 बार महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए और सभी पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, जैसा कि मैं आगे आपको बताती रहूँगी। ये देखिए नैवेद्य है हमारा, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का नैवेद्य हम चढ़ा रहे हैं भगवान को। तो नैवेद्यम समर्पयामि, मेरी बच्ची को भी हाथ लगवा रही हूँ मैं साथ साथ, नैवेद्यम समर्पयामि बोल के हमने भगवान को ये जो ड्राई फ्रूट लेके आए थे, पंचमेवा जिसे बोलते हैं, 5 तरीके का सूखा फ्रूट होता है ये। और यहाँ पे ऋतुफल जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो ऋतुफल लेकर के आप आइए। और यहाँ पे बहुत सारे चीटे थे बेलपत्र के ऊपर, हमने समर्पित किया। और एक छोटी प्लेट थी यहाँ पे, उसके ऊपर सभी चीज़ों के ऊपर आचवनी अवश्य ही करिए, भगवान को खिलाने के लिए आचवनी ज़रूरी है करना। यहाँ पे भगवान को टच करा के मैंने जल रख दिया है, खाना देंगे तो उन्हें पानी भी अवश्य देना चाहिए। नैवेद्य देने के बाद, नैवेद्यम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करने के बाद, शिव जी का जो ओम शिव ओमकारा वाला आरती है वो आप ज़रूर से कर लीजिए। वीडियो में आरती मैं बोल नहीं सकती हूँ हालांकि, इसलिए आप आरती इसके बाद करिए, बहुत ही आराम से ये आरती आप संपन्न करिए। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या तो किताब में देख के ये, या तो अगर आपको याद है तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे, आरती हमने कर ली। कपूर से क्षमा प्रार्थना उतना ही ज़रूरी है सब गलतियों के लिए। कपूर जला के भगवान जी को दिखा के, माता पार्वती अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी को दिखा के आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। ओम पृथ्वी शांति, नौ ग्रह शांति, सर्व गुंग बाधा शांति, इस ये मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार आपको शांति करनी है। कोई भी दीपक जला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। अब धूपम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर धूप दिखाएं। धूपम समर्पयामि, मैं फिर से बता दे रही हूँ, धूपम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो है शिवलिंग के ऊपर धूप दिखाएं। अब हमारी आती है क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना का मंत्र अगर आपको नहीं पता है तो नीचे लिख के आ रहा है, क्षमा प्रार्थना का मंत्र आप पढ़ते हुए फूल और अक्षत हाथ में लेकर के भगवान के ऊपर समर्पित करें। इसके बाद आती है दक्षिणा की बारी। दक्षिणा जो भी आपके पास है वो अपनी गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आप दक्षिणा भी भगवान के ऊपर आप समर्पित कर दें। जो भी दक्षिणा आपके पास है थोड़ी देर रखने के बाद आप उस दक्षिणा को क्या काम करेंगे कि दान पेटी में डाल देंगे। अपने आंचल से हर सुहागन औरतों को अपने पति के साथ मिल के ही पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पति वहाँ नहीं है तो अपने आंचल को शिवलिंग के ऊपर लगा करके, अपने माथे को टिका करके आप भगवान से अपनी गलती भूल के लिए क्षमा कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा क्षमा प्रार्थना। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े से और फूलों से शिवलिंग को खूब अच्छे से सजा दिया। और यहीं पे आज की दिव्य जानकारी संपन्न होती है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।